जम्मू कश्मीर के उपमुख्यमंत्री निर्मल सिंह पायल फोटो श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के उपमुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने आतंकवादियों द्वारा मुस्लिम लोगों की हत्या किए जाने पर अलगाववादिया की चुप्पी की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई निर्णायक चरण में पहुँच गयी है। उन्होंने अलगाववादियों के साथ वार्ता का भी विरोध किया जो मासूम लोगों की हत्या के दौरान चुप थे, और जब आतंकवादियों को खदेड़ा गया तो उन्होंने बंद का आह्वान किया। निर्मल ने एक समारोह के दौरान पत्रकारों से कहा कि हम आतंकवाद पर इस लड़ाई में निर्णायक चरण में पहुंच गए हैं। सीमा पार से यह प्रतिक्रिया अपेक्षित थी, लेकिन हमने स्थिति पर नियंत्रण कर लिया है। आजादी कश्मीर घाटी के लिए विकल्प नहीं, फारूक अब्दुल्लावा। उन्होंने कहा कि जो आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं, उन्हें शांतिपूर्ण जिंदगी बिताने का मौका दिया जाता है, लेकिन जो लड़ने को उतारू हैं, वे उसके परिणाम भुगत रहे हैं। दक्षिण कश्मीर में एक ही दिन में पिछले रविवार 13 आतंकवादियों को खदेड़ा गया और अन्य ने आत्मसमर्पण किया। यह काम जोर नीतियों के कारण नहीं हुआ। वीडियो बदगाम एक आतंकी ढेर। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष चाहता है कि सरकार बातचीत शुरू करे। उन्होंने पूछा कि आखिर किससे, जो मासूमों की हत्या कर रहे हैं या जो युवकों को हवाला के जरिए पैसे भेजकर पथराव करने के लिए उकसा रहे हैं। निर्मल ने कहा, जब मासूम मारा जाता है तो हुर्रियत खामोश रहता है, लेकिन जब एक आतंकवादी को खदेड़ा गया तो उन्होंने बंद बुला लिया। उपमुख्यमंत्री ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह अलगाववादियों और पाकिस्तान के साथ वार्ता की मांग कर राजनीति कर रहा है। हेडलाइन के अलावा इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है। यह सिंडिकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है। हिंदी न्यूज से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वाइन करें, ट्विटर पर फॉलो करें।